जय श्री राम दोस्तों, आपके घर में हो लक्ष्मी का प्रवेश, मैं हूं देवेश। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप ने रूस को माल बेचने से कर दिया है मना। परिणाम स्वरूप रूस में जो शॉपिंग मॉल्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, किराने की दुकानें हैं, सब खाली हो गए हैं। रूस में खाने के सामान, कपड़े, जूते, चप्पल, अनार, फल, सबकी कमी हो गई है। इसलिए रूस ने इन सभी आइटम्स की एक लंबी लिस्ट बनाई है और उन्होंने यह लिस्ट सीधा मोदी जी को थमा दी है कि भाई साहब तुरंत सप्लाई चालू कीजिए। एक तरफ रूस भारत को मुंह मांगा दाम देने को तैयार है, रूस के पास जबरदस्त डिमांड है, दूसरी तरफ भारत के पास सप्लाई है। इसलिए भारत सरकार ने आओ देखा ना ताओ, उधर रूस ने भारत को लिस्ट थमाई, इधर भारत सरकार ने वह लिस्ट पास कर दी भारतीय व्यापारियों को। साथ में रशियन बायर और भारतीय सेलर की एक मीटिंग भी आयोजित करवा रहे हैं ताकि दोनों पक्ष मिल बैठ के बातचीत कर लें और आपस में तय करें कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है। कुल मिलाकर भारत सरकार इस पूरे ट्रांजेक्शन को आसान और सरल बनाने के लिए प्रयासरत है। ना केवल रूस भारत से जूते, चप्पल, खाने का सामान, कपड़ा खरीदने के लिए तैयार है, बल्कि रूस ने तो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी खाली कर दिए हैं। रूस का कहना है कि भारतीय कंपनियां रूस में आएं और व्यापार करें, रूस में अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, रूस में कपड़ों की सिलाई करें। रूस का कहना यह है कि हमने दूसरों पर निर्भर होकर देख लिया, निर्भरता के कारण हमारा हो गया शोषण, इसलिए अब हम भारत से अपनी सोर्सिंग बढ़ाएंगे, भारत से माल ज्यादा खरीदेंगे। और भी अच्छा होगा यदि भारतीय कंपनियां रूस में अपना कारोबार बढ़ाएं, अपना इंडस्ट्रियल बेस सेटअप करें। अब दोस्तों, आप में से कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि ऐसा अगर भारतीय कंपनियां करेंगी तो उन पर आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं। आपकी चिंता जायज है, लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि जो खाने का सामान है, दवाएं हैं, कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, उनके व्यापार पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। साथ में बाइडेन साहब का कहना यह भी है कि उनकी दुश्मनी पुतिन साहब से है, रूस की जनता से नहीं। इसलिए यदि खाने के सामान की किल्लत के चलते रूसी जनता मरती है तो इससे बाइडेन का मुंह भी काला होगा। इसलिए दोनों पॉइंट हमारे फेवर में हैं, तभी तो भारत सरकार ने तुरंत मीटिंग आयोजित करवा दी है रूस के बायर और भारत के सेलर्स के बीच में, ताकि काम तेजी से आगे बढ़े। हमारा शिपमेंट जितने जल्दी हो उतने जल्दी रूस में पहुंचना चाहिए, यह व्यापार का मौका है, हमें नहीं गंवाना है। रही बात पेमेंट की, तो लोकल करेंसी में जो पेमेंट मैकेनिज्म है उसको डिजाइन किया जा रहा है भारत और रूस के बीच में, हालांकि उसमें थोड़ा अभी समय लग रहा है, लेकिन चूंकि यह एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर हमारे सामने खड़ा हुआ है, मोदी सरकार पेमेंट समस्या का भी समाधान जल्दी ही निकालेगी। अब दोस्तों, इस प्रकार भारत का बढ़ रहा है रूस को एक्सपोर्ट। यदि आपको इस प्रकार उभर रहे निवेश के सुनहरे मौके पकड़ना है तो ध्यान दीजिए, आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स पर उपलब्ध है 38% का डिस्काउंट, आप उसका लाभ उठाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर क्लिक करके आप आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।